राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लाए भैया को टेस्ट कराने के लिए, बहुत टाइम से हुए नहीं थे टेस्ट ना। बाल सही कर दो, कंघे मार दो। नहीं हो पाए। अब हम दोनों जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि जल्दी उठ गए थे पर कुछ नहीं भेज दिया, काफी टाइम है तो थोड़ा सा सोचा कि वॉक भी करके आ जाते हैं। हाँ, रूटीन वर्क नहीं है, आज ही जा रहे हैं, बस सिर्फ आज ही जा रहे हैं। और आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी लंच पे, बहुत टाइम से ना एग्जॉस्ट हो रखे हैं। हम दोनों एक दूसरे पर एहसान करते हुए ऐसे धीरे धीरे ना कुछ किया अभी तक। हाँ, बट अच्छा लग रहा है आए वॉक पे तो फिर भी खेल लेता हूं, बस कुछ नहीं करती। मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो दुनिया की वेली औरत हूँ, क्रिकेट भी नहीं खेलता हूँ। देखो वॉक करके आ गए हैं, अब पीते हैं सबसे पहले चाय। और बाल इतने खराब हो रहे हैं पता नहीं क्यों मेरे ना, फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कराती ऑयलिंग, थोड़ी हेड मसाज कराती हूँ, तो मैं अच्छे से लगवा रही हूँ ऑयल। मंजुला लगा रही है ऑयल, बहुत अच्छे से हेड मसाज करती है मंजुला। और इधर चल रही है मेरी एसी की सर्विस, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। क्योंकि जब गांव गए थे ना तो तब वेदर ठीक था, क्योंकि रोज बारिश ही हो रखी थी उस टाइम पे ना, 12-13 दिन पहले ना, मतलब डेली का सही वही चल रहा था, बारिश 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 ना, तो ठंडा था उस टाइम पे वेदर। पर जब अब लौट के आई हूँ तो बहुत गर्मी है यार, गर्मी वहां पे भी हो गई थी। गांव में ना यहाँ से थोड़ा बेटर था वेदर ना, इतना काम है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, काम ही काम दिख रहा है ना। सुबह से लगी हुई हूँ मैं, कपड़े ये वो सफाइयाँ ना, फिर सिर इतना घूम रहा था, मैं पहले आती हूँ नहा के आती हूँ अब सफाई का। और ये मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, मैंने ये ऐसे टॉप पहना है और जीन्स डाली है, बड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो ये कॉटन जैसा टॉप है ये ना। और ये मैं ऐसे इस तरीके से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि प्रदीप गए ऑफिस और किट्टू ये कॉलेज पर गया स्कूल, तो खाली ना घर इसे खाने को दौड़ रहा है। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में मैं रह के आई हूँ ना, तो अजीब सा लग रहा है। और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने काम ख़त्म करा लिया है। तो आज किट्टी भी थी तो पहले सोचा जाऊं या ना जाऊं, कि प्रदीप ने बोला जाओगे तो अच्छा ही लगेगा, मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, फिर बस निकल रही हूँ मैं, बस पर्स उठाती हूँ निकल रही हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ ही जा रही हूँ मैं ना। इतनी गर्मी है ना बाहर निकल के पता चल रहा है। ये देखो ये वंदना दीदी जो मुझे पिक करने आई है, कितनी कितनी प्यारी। थैंक यू दीदी, पता ऐसे लग रहा था मैं कहीं निकलू निकलू, मतलब इतना अजीब सा हो रहा था मुझे ना। हाय, कहाँ लेके जा रहे हो दीदी ये बताओ, लेके कहाँ जा रहे हो, लेके कहाँ जा रहे हो मुझे। बस जन्नत में। जन्नत दिखाने, जन्नत दिखाएंगे, जन्नत दिखाएंगे। आई मुझे जन्नत लेके जा रही है भाई, देखते हैं वो जन्नत कैसी होगी, हूर मिलेंगी हूर। मुझे लग रहा है मैं इधर से घुमा लूं है ना। और हम पहुंच गए द बारबेक्यू टाइम्स जो है सेक्टर 51 में, और यहाँ मैं आई हूँ पहली बार, और ये काफी बड़ा है यार, बहुत बड़ा है ये, अमेजिंग। सारी फैमिली के आ गई है, हम करेंगे फुल धमाल। और ये आए हैं कबाब, वेज कबाब हैं, केंजो पटेटो हैं, और इतनी सारी वैरायटी की खा, मतलब थक गई मैं खाते खाते। पापड़ी चाट, ये सोया चाप, पनीर टिक्का, पता नहीं कितनी वैरायटी थी यार, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरा फेवरेट पाइन एप्पल, और फूड इतना ऑसम है, इतना टेस्टी फूड है ना, ये आ गया मेरा पाइन एप्पल, या मी अमी 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 अमी। और सॉटे वेजिटेबल हैं और क्रिस्पी वेजिटेबल, और कसम से ना यार कौन इतने टाइम के बाद इतना अच्छा खाना खाया है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी वैरायटी है ना यहाँ पे ना, इतने लाइव, ये कांजी वड़ा है ना, फूड काउंटर है लाइव ना, चाट काउंटर, मतलब साउथ इंडियन भी है यहाँ पे,
कॉन्टिनेंटल भी है, पिज़्ज़ा भी है, मतलब सब कुछ इतना अच्छा। और ये आगे दिन से फ्रिज थी सर, ये भी बहुत यम्मी है, इतना टेस्टी फूड है ना। मैं अभी बच्चों को लेके जाऊंगी तो प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी अच्छे से, है ना। अभी तो मैं खाने में बिजी थी। ये आगे हमारी ड्रिंक्स ना मैंने ली है, अपनी आइस टी। और ये काफ़ी बड़ा है यार, बहुत टाइम के बाद अच्छा खाना खाया। इतना बड़ा है ना बारबेक्यू टाइम्स ना। और ये स्ट्रीट चाट है, ये देखो स्ट्रीट फूड कॉर्नर ना, ये पता नहीं कितनी तरीके की चाट थी, पता ही नहीं, नाम ही याद नहीं है मुझे तो ना। वेरी नाइस फूड देखो भाई। आया मुंह में पानी, सच में यार, मतलब इतना ऑसम फूड था ना। पहले लग रहा था गर्मी है कि कैसे जाएंगे, लेकिन इतना अच्छा लगा ना, बड़ा अच्छा टेम्परेचर था अंदर ना, काफ़ी लोग भी थे यार, भीड़ भाड़ बहुत थी। अब मैं दोबारा बच्चों के साथ जाके अच्छा सा व्लॉग यहीं का बना के लेके आऊँगी। कितना सब कुछ था ना, और आइसक्रीम, ओहो हो इतनी यम्मी। और ये मेरी फेवरेट जलेबी। सब बिजी हैं अपने अपने उसमें। और उसके बाद हम खेले तंबोला, सारी फ्रेंड इकट्ठी हों और तंबोला ना खेलें, इतने शोर में अभी हम खेल लिए। ये मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं और उनके दोस्त भी हैं, तो अपना मील कर रहे हैं, इंजॉय। सारे बेचारे कॉन्शियस हो गए, हम केड़ियां मारने जा रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, ज्यादा खाली आ रहे हैं। हां ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, डाइजेस्ट करके आते हैं। बस ये देखो आइसक्रीम आप भी खाओ यार, आइसक्रीम सच में इतनी अच्छी थी ना। पान कुल पान थी, इसमें पान और गुलकंद का फ्लेवर था, बड़ा अच्छा था यार, मज़ा आ गया इसको खा के ना, इतनी रिफ्रेशिंग थी, कुछ अलग थी। अब बस मन कर रहा जल्दी जल्दी बच्चों के साथ आऊँ मैं ना, बहुत दिल कर रहा बच्चों को लाने का ना, बहुत जल्दी आऊँगी बच्चों। ये आस्था, आस्था रानी बड़ी सियानी ये मेरे ऐसी हंसती रहती है हमेशा, बैटरी हमारी हमेशा चार्ज करती है। लिफ्ट में चश्मा लगा दिख रहा है ना भाई, भाई साहब हमने इतनी मस्ती की है और हमने खाया बिल्कुल भी नहीं है। पेल आया, पेला खाया नहीं, पेला चला भी नहीं जा रहा हमसे, ये हमारा मन।